उपरोहित जी ने कहा विलंब क्या करना है, चला जाए, साज सजाया जाए। शतानंद जी महाराज ने जो कुल गुरु हैं बुलाया, साज सजवाया और शंख ध्वनि हुई। दूल्हा सरकार मंडप में आ रहे हैं, द्वार पूजा के लिए उसकी रचना बनाई गई। थाल लेकर सौभाग्यवती माताएं चल पड़ी हैं। महाराज चक्रवर्ती जी का समाज देखकर धरती तो धरती, आकाश भी नृत्य कर रहा है। देवता लोग बराती बनकर सम्मिलित हुए, देवांगनाएं देवियां मेरी माँ के संग में वहां उपस्थित होकर मंगल गान गाते अपनी उपस्थिति दे रही हैं। माँ गौरी, माँ श्रीजी ब्रह्माणी पावन अलंकरण कर रही हैं। बाबा ने जैसे दर्शन करके मानपूर्णा की कृपा से लिखा है, यह कहिए नहीं। गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर चक्रवर्ती महाराज चले। बाबा कहते हैं, भाग्य विभव यवधे शकर देख देव ब्रह्मा लगे सराहन सहस मुख जान जनम निज सुरन सुमंगल अवसर जानो पर छोड़िए। पितामह ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी भोले बाबा से कहते हैं, बाबा मेरी करनी तो कहीं मिथिला में दर्शन दे ही नहीं रही है, ये कृति किसकी है। भगवान भोलेनाथ समझाए, शिव समझाए देव
हृदय विचार बुद्धि हृदय में विचार करो, ये जगत के जीव का महोत्सव नहीं है, जगत के माता पिता का पावन लीला महोत्सव है। जिनका नाम स्मरण कर लेने मात्र से सारे अमंगल मूल सहित नष्ट हो जाते, धर्म अर्थ काम मोक्ष स्मरण मात्र से हाथ में उपस्थित हो जाते हैं, वही श्री सीताराम जी हैं जिनका यह लीला महोत्सव हो रहा है। किसी के करने नहीं। देखिए, बात पर बात आ गई, आती है, मैं रोक लेता हूं। भारत, भारत माने भव माने धर्म, रत माने रमा हुआ। जो धर्म में लगा हुआ देश है उसका नाम है भारत, धर्म रत। एक बात, दस बारह वर्ष पहले हम सब भारतवासी दीनहीन मलिन गले कुचले ऐसा माने जाते थे। आज की स्थिति यह है कि भारत दुनिया में कमल के फूल की तरह खिला नजर आ रहा है। अपने यहाँ नहीं, विदेश में जब जाइएगा तो भारत की जो अभी की स्थिति है इसका दर्शन होता है। हम लोग प्रशंसा करें तो हम तो घर के हैं, कुछ भी करेंगे, स्वदेश में नहीं विदेश में भी हमारे देश का जो सम्मान बढ़ा है, क्या कारण है? हमको तो लगता है इसमें भगवान कारण है, जीव की करनी नहीं, किसी के बारे में कहा नहीं जा सकता है। क्यों भगवान कारण है? हमारी जो अस्मिता है, हमारी जो थाती है, हमारी जो सामग्री है, हमारा जो सैष्ठव है, हमारा जो ऐश्वर्य है, ये सब मिट्टी में मिला दिया गया था। आज केवल भारत का जो सत्य स्वरूप है, वेद पुराण उपनिषद ऋषि परंपरा द्वादश ज्योतिर्लिंग अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका कुंभ पर्व, एक नहीं कई कई चार लगते हैं। अब ऋषियों ने संतों ने वृंदावन में कुंभ लगाया, उधर शबरी कुंभ लग रहा है, यानी जो सनातन संस्कृति के उत्थान के स्वरूप थे वो अब नहीं हुए, तब भी थे। बस बात वही, राजा जो बताता है और दुनिया उस बात को जानती है। परिवार का पिता जैसा जीवन जीता है परिवार भी वैसा ही स्वीकार करके रहने लगता है। अब पिताजी यदि चरणामृत पिएंगे तो परिवार वाले भी पिएंगे, और पिताजी यदि समुद्र से निकला वाला पिएंगे तो भगवान मालिक है, कौन हिसाब करेगा, कौन कहेगा। पिताजी जय जयकारी हैं तो परिवार भी जय जयकारी हो जाता है। यह स्वरूप भगवान शिव कहते हैं, हृदय में विचार करो, ये जीव उत्सव नहीं है। हृदय विचार उनका पावन महोत्सव है, आनंद है, और ये जगत जानता है। श्रेष्ठ के उत्सव में कनिष्ठ तो बाद में नहीं आएगा,